हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। मैं आई थी ऊपर ये हिटलर की मतलब गोदरी डालने, मतलब ये रोज जो शिशु कर देता है वो, ये भी मैंने डाल दी है। जाऊँगी नीचे और आज मम्मी बोल रही है हमारे यहाँ पे ना नज़दीक में 10-15 मिनट का रास्ता है, डबोड़ा पड़ता है हनुमान जी का मंदिर। तो मम्मी की आज बहुत इच्छा हो रही है कि वहाँ जाएँ, दर्शन करें। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आप सबको भी उनके दर्शन कराएं। तो फटाफट से कर लेते हैं काम। मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाहर मतलब अपने घर के बाहर ना ये जो नीम लगाई है ना, इसके पत्ते ना बहुत गिरते हैं नीचे, तो वहाँ पे झाड़ू लगाना है। काफ़ी दिन हो गए तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर नहा धो के करूँगी दूसरा काम। और दोपहर में वो बंद होता है मंदिर, शाम को खुलता है, तो शाम तक कर लेते हैं काम। खाना वगैरह बना के जाएंगे। अब मेरा कोई प्लान फिक्स नहीं है कि मैं जाऊँगी या नहीं, तो नीचे चल के पता चलेगा मैं जाती हूँ कि नहीं। सो फ्रेंड्स, हमने अभी ना ऑटो वाले भैया को फ़ोन लगा दिया है। उन्होंने बोला है कि 4 बजे मंदिर का दरवाज़ा खुल जाता है, तो आप 5 बजे निकलना, तो 6 बजे तक अपने वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि बीच में जंगल वाला एरिया भी पड़ता है। और ये इतनी नौटंकी लड़की है, इसको अभी कॉफ़ी पीनी नहीं थी और कॉफ़ी पी के बोलती है मेरा सिर फट रहा है, ये देखो इसका फेस दिख रहा है, सिर दुखने वाला, ऐसा करते हैं क्योंकि कॉफ़ी गर्म होती है, इसके लिए उसकी वजह से मेरा सिर पकड़ हो गया। अभी इसके ओवर एक्टिंग चलती रहेगी, तो मैं कर लेती हूँ अपना काम। चुके हैं 2:30 और मैंने नहा चुकी हूँ, और अभी अब सोच रहे हो कि कपड़े चेंज करके कहाँ जा रहे हो, तो मैं अभी जा रही हूँ भैया के साथ ऊपर थोड़ा काम करने। और एक गुड न्यूज़ की, पीटर ने खाना खा लिया, हमारी ट्रिप पास हो चुकी है। और अभी तक कोई कुछ डिसाइड नहीं है कि मंदिर कौन जाने वाला है, मैं मम्मी दीदी या दीदी और मम्मी, तो आके डिसाइड करेंगे खाना खाने के बाद। तो कराती हूँ मैं अपना थोड़ा काम, आ चुकी हूँ अपना काम निपटा के। और ये देखिए आज क्या बनाया है, गोभी की सब्जी, दिखाओ तो मेरे को कितनी अच्छी बनी। हाँ हाँ, ये सब्जियों की फर्स्ट मस्त, आप भी खा लीजिए, आप भी खा लीजिए पूरी कढ़ाई में। और ये और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमको आज बाहर मंदिर में जाना है, और सबसे पहली बात आज मैं इसके लिए भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पीटर ने आज खाना खा लिया है, वो भी अपने आप। और मंदिर में जाना है ट्यूसडे, तो माथा टेक के आएंगे, आप सबको जरूर दर्शन कराएंगे। तो मैं वहाँ पर वीडियो बनाऊंगी अलग, अगर अलाउड हुआ तो, और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, आप भी दर्शन कीजिए। न्यू ईयर मतलब जनवरी मतलब न्यू ईयर का हमारा फर्स्ट दर्शन है, हम लोग कभी जाएंगे, फर्स्ट टाइम जाएंगे, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो फटाफट खा लेते हैं खाना, फिर घर का काम निपटा के ही जाएंगे। और अभी कुछ फिक्स नहीं है कौन जाने वाला है, कौन जाने वाला है, तीनों चलेंगे तो देखते हैं। अभी बोल तो खुशी खुशी रही है तीनों, बट प्लान दो ही जाने को बनेगा, अब देखते हैं वो दोनों लोग कौन होते हैं। तो फटाफट खा फ्रेंड्स, दोपहर के बज चुके हैं 4:47 और हमारा फिक्स हो चुका है, जा रहे हैं मैं और मम्मी, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, हो रही मम्मी भी रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए मम्मी कैसा लग रहा है। मम्मी बहुत देर की ख्वाहिश थी कि मंदिर माथा टेकने जाए, तो आज बुला लिया, और हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होता है, हम आपसे मिलेंगे आके। आके नहीं, मैं वहाँ पे भी शूट करूँगी, और फर्स्ट टाइम पब्लिक में शूट करना, थोड़ा नर्वसनेस होगा, आप प्लीज़ मैनेज कर लेना, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और चलते हैं, दीदी जाएगी नेक्स्ट ट्यूजडे, दीदी बोल रही मेरे को पीछे खाना भी बनाना है क्योंकि इनका खाने के बिना नहीं चल सकता, और आपको जैसे पता ही है सर्दियों में 6 बजे तो रात हो जाती है, हमें 7 बज सकते आते आते, तो मिलते हैं आपको रास्ते में हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके थे, ये देखिए हम लोग, मैं मम्मी दोनों आपको कहाई कर रहे हैं कि हाँ। और काफ़ी टाइम बाद मतलब 1-1.5 महीने बाद मैं और मम्मी कहीं बाहर साथ में आए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना मतलब ये एरिया मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा है, और यहाँ पे मतलब नज़दीक में ये देखिए थोड़े मतलब पहुँच गए थे ना, तो ये खेत की बात कर रहे थे, और ये खेत में इतनी मतलब वहाँ पे ठंड हो गई थी ना, तो हम लोग दोनों में से कोई स्वेटर नहीं पहन के गया था, हमें शाम के 5:30 बजे भी वहाँ पे ठंड लग रही थी। देखिए ऐसा लग रहा था पूरी गांव वाली फीलिंग आ रही थी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी तो इच्छा थी कि फ़ोटो क्लिक करूँ, बट कोई अच्छा फ़ोन था ही नहीं मेरे पास वहाँ पे। सो ये देखिए फाइनली हम हनुमान जी के मंदिर पहुँच गए, और वहाँ पे जाके पता लगा कि कैमरा अलाउड नहीं है, तो हमें ये शॉप से ना हमें एक फ़ोटो लेनी थी, बाकी इसमें सब कुछ अवेलेबल था। ये देखिए ये फ़ोटोज़ थी छोटी, ये बच्चों के टॉयज़, और ये बड़ी फ़ोटोज़, पर जैसी फ़ोटो हमें चाहिए थी वैसी थी नहीं। सो मैं आपको अंदर के तो दर्शन नहीं करा पाई, बाहर से मैं इतने ही दर्शन करा सकती हूँ, आप यहाँ से ही माता टेक। हो चुका है 7:30 और हम लोग घर पे आ चुके हैं, दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बस एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। मम्मी कैसा लगा दर्शन करके? मन को शांति मिली,
बहुत अच्छा लगा। जो हमारे यहाँ पे नज़दीक है वो भी जाएं, बहुत अच्छा लगता है। और ये टीका उन्होंने यहाँ पे लगाया तो सिर पे लगाना था, हमें पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था। और नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे से जाएंगे। अभी नेक्स्ट मंडे दीदी ट्यूसडे दीदी और मम्मी जाएंगे तो और अच्छे से जाके आएंगे, क्योंकि हमें एक फ़ोटो भी निकलवानी है। तो अभी मैं पी लेती हूँ गर्मा गर्म चाय। तो रात के 9 बज चुके हैं तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे एडिटिंग। दीदी खिला रही है पीटर हटलर को खाना और फिर आज मम्मी के हाथ के खाएंगे हम मैदे वाली पूरियाँ। सो देखते हैं मम्मी कैसे बनाती है। छोले दीदी ने बना लिए हैं। तो दीदी छोले बहुत मस्त बनाती है। अब भटूरे देखते हैं मम्मी कैसे बनाती है पूरियाँ। और दर्शन करके सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर रिकॉर्डिंग होती तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती, बट रिकॉर्डिंग थी नहीं तो कोई नहीं। कहीं और जाएंगे किसी और मंदिर तो वहाँ पे ट्राई करेंगे कि अगर। तो मेरी एडिटिंग हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपको बोला था आज बनाएगी पूरी मम्मी। मम्मी कैसा है आटा? मैदे की पूरी है गाइस। आटा कैसा गूंदा है? आटा तो बढ़िया गूंदा है। पूरी दिखाओ एक निकाल के कैसी बनती है। और ये तरी दिखाना, तेल बहुत पड़ रहा है आँख में। सरसों का तेल है तो ये ऐसे ही होता है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो देखते हैं। तो ये देखिए दीदी के छोले, वो लाइटिंग अच्छी नहीं है तो इसलिए इतने क्लियर नहीं दिख रहे हो। ये मम्मी की गर्मा गर्म पूरी, तो मम्मी ने रख दी है दो दो पूरी। ये देखिए दो दो पूरी, अब ये दीदी टेस्ट करके बताएंगी। तो फ्रेंड्स अभी खाते हैं गर्मा गर्म पूरी। देखिए उंगली पार, मज़ा आ गया। मम्मी के हाथ की पूरी बहुत अच्छी होती है, मेरी ऐसी नहीं बनती। हाँ तरी में सब्जी मैंने बनाई है तो अच्छी होगी वो भी। 1.5 महीने बाद मम्मी के हाथ की मिली है, टेस्टी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अपने छोलो और पूरी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी आपसे, अगर आप कमेंट करेंगे तो। तो फ्रेंड्स हमारा डिनर हो चुका है कंप्लीट। आप देख सकते हैं मैंने कुछ ज़्यादा ओवरलोड खा लिया, तो नींद बहुत खतरनाक तरीके से आ रही है। तो मैं अभी हिम्मत करके मुंह पर धो कर आई, अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि आप सबको पता ही होगा हलीन ही रात की ड्यूटी करती है। मैं रात को कोई किचन का काम नहीं करती, पूरा दिन मैं करती हूँ, रात की ड्यूटी सिर्फ उसकी है। और अभी मिलते हैं कल सुबह एक फ्रेश व्लॉग में, तब तक लिए। और तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।